नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको डुप्लीकेट रिमोट कैसे बनाते हैं इसके बारे में आपको सिखाएंगे। ये देखिए, हमारे पास एक लर्निंग रिमोट है जिसे हमें डुप्लीकेट बनाना है। और ये रिमोट एक लर्निंग मोड पे हमें कैसे लाना है ये हम आपको स्टेप बाय स्टेप सारा सिखाएंगे। इसके पीछे सारी डिटेल लिखी हुई है कि हमें किस तरीके से ये लर्निंग रिमोट तैयार करना है। ये देखिए, दूसरा रिमोट है हमारे पास इनफोकस का, जिसकी इसी से हमें वो लर्निंग रिमोट तैयार करना है। ये देखिए, दोनों के सेंसर आमने सामने हमें इस तरीके से रखने हैं ताकि बीच में 2-3 सेंटीमीटर का गैप हो। ये देखिए, हम थोड़ा क्लियर करके आप दिखाएंगे। और ये देखिए, हमने दोनों को अब आमने सामने रख दिया है। उसके बाद हमें क्या करना है, जो लर्निंग रिमोट है उसकी की यानी कि ओके और जीरो, दो की हैं ओके और जीरो को एक लॉन्ग प्रेस यानी कि थोड़ी देर तक प्रेस करना है जब तक उसमें एक एलईडी ब्लिंक ना करे। ये देखिए, हमने ओके और जीरो को एक साथ प्रेस किया हुआ है, जब तक उसमें ये देखिए एलईडी ब्लिंक ना हो तब तक उसे छोड़ना नहीं है। ये देखिए, जैसे ही ब्लिंक हो गया हमने उसे एक बार पुश किया तो, और जिस की को हमें लर्निंग मोड पर लाना है तो की प्रेस करेंगे इन फोकस का, फिर हम ओके प्रेस कर देंगे। ये हमारा डुप्लीकेट रिमोट बनके तैयार हो गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।